नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार कैमरा कंपैरिजन वीडियो में। तो आज हम यहाँ पे कंपेयर करने वाला इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरास को, Realme 9 Pro Plus है एंड Realme GT Neo 2 है। एंड इन दोनों का कंपैरिजन डेफिनेटली बनता है बिकॉज दोनों ही सेम ब्रांड के फ़ोन है एंड सिमिलर कैटेगरी में दोनों ही फ़ोन देखने को मिल जाते हैं। उल्टा अभी कुछ दिनों पहले GT Neo 2 आपको कम प्राइस में मिल रहा था Realme 9 Pro Plus से भी, तो डेफिनेटली इन दोनों का कंपैरिजन तो बनता ही है। एंड अगर कैमरा सेटअप के बारे में बात करी जाए तो Realme 9 Pro Plus में मिलता है ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, IMX766 है, OIS का सपोर्ट है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। एंड अगर फ्रंट के बारे में बात करी जाए तो वहाँ पे आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो वहीं पे अगर बात करी जाए GT Neo 2 के बारे में तो अगेन ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, सैमसंग का सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। एंड फ्रंट की बात करी जाए तो अगेन वहाँ पे भी दिया गया 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि अगेन सोनी का सेंसर है, IMX471। तो ऑन पेपर अगर यहाँ पे आप स्पेक्स देखते हैं तो जो रियर कैमरा है प्राइमरी और 9 Pro Plus में थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस कौन से फ़ोन में बेहतर है एंड ISP यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे Dimensity 920 है, यहाँ पे Snapdragon 870, तो इसका ISP बेटर देखने को मिलता है। तो देखते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों में से कौन से फ़ोन का बेहतर है, ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पे बेहतर है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डेलाइट कंडीशन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज है एंड दोनों ही इमेज यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट आई हुई है। 9 Pro Plus ने यहाँ पे एकदम ही ब्राइट बना दिया है इमेज को। GT Neo 2 के बारे में बात करी जाए तो इमेज को एकदम ही डार्क बना दिया है, स्किन टोन को काफ़ी ज़्यादा डार्क बना दिया है। 9 Pro Plus ने काफ़ी ज़्यादा ब्राइट बना दिया है, तो एकदम ही कलर एक्यूरेट तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी इमेज नहीं है। एंड अगर जूम इन करके डिटेलिंग या फिर शार्पनेस आप नोटिस करेंगे तो वो 9 Pro Plus की थोड़ी सी बेटर है। एंड स्किन टोन भी अगर आप देखते तो वो थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू GT Neo 2। GT Neo 2 ने कुछ ज़्यादा ही डार्क बना दिया है स्किन टोन को एंड जो टी शर्ट का कलर है उसको भी थोड़ा सा ज़्यादा चेंज कर दिया है। तो ओवरऑल यहाँ पे वैसे तो दोनों का ही परफॉर्मेंस एवरेज है, बट किसी एक को पिक करना हो तो मैं 9 Pro Plus का आउटपुट पिक करूंगा। डेलाइट कंडीशन में प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज दोनों ही इमेज अगेन काफी डिफरेंट आई हुई है। 9 Pro Plus में एकदम ही ब्राइट आउटपुट देखने को मिल जाता है, स्किन टोन को एकदम ही ब्राइट दिखाया है। GT Neo 2 की बात करी जाए तो कलर्स को बूस्टेड दिखाया है, स्किन टोन को थोड़ा सा रेड बना दिया है, तो जो एक्चुअल स्किन टोन है वो तो दोनों में से किसी भी फोन ने कैप्चर नहीं करा है। एंड ओवरऑल अगर आप कलर्स वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे जो 9 Pro Plus है उसका आउटपुट ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल है, GT Neo 2 थोड़े से बूस्ट करता है, थोड़ा सा कूलर टोन ऐड करता है। डिटेलिंग एंड शार्पनेस अगर आप नोटिस करते हैं तो दोनों की ही अच्छी है। डायनामिक रेंज की बात करी जाए तो इन दोनों में ही बढ़िया है। ये एक और सैंपल है जो मैंने दूसरे एंगल में निकाला था प्राइमरी कैमरा से ही। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है, एज डिटेक्शन दोनों ही फोन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। एंड यहाँ पे जो स्किन टोन वगैरह है मुझे 9 Pro Plus का थोड़ा सा बेटर लग रहा है देखने में, जबकि GT Neo 2 का थोड़ा सा ज्यादा रेड लग रहा है। डेलाइट कंडीशन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज अगेन आप देख सकते हैं दोनों ही इमेज डिफरेंट आई हुई है। अब यहाँ पे जो 9 Pro Plus ने कलर्स कैप्चर करे हैं वो काफी बढ़िया है एंड ज्यादा क्लोज टू नेचुरल है, एक्चुअल कलर्स ही है एंड ज्यादा वार्मर या फिर कूलर टोन नहीं ऐड करा है। GT Neo 2 के बारे में बात करिए तो थोड़ा सा कूलर टोन ऐड हो गया है एंड कलर्स उसको बूस्ट कर देता है, जबकि 9 Pro Plus में ऐसा कोई भी इशू नोटिस नहीं हुआ है, कलर्स एक्चुअल ही रहते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप शार्पनेस भी नोटिस करते हैं तो 9 Pro Plus में थोड़ी सी बेटर है। डायनामिक रेंज की बात करी जाए तो दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है। अभी एक और सैंपल है तो यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि 9 Pro Plus का आउटपुट थोड़ा सा बेटर देखने में मिलता है, कलर्स वगैरह वहाँ पे बेटर मैनेज होते हैं, ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल आते हैं। GT Neo 2 में कलर्स वगैरह थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बूस्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा कूलर आउटपुट आ जाता है, तो ये डिफरेंस है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। एंड ये कुछ और सैंपल है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि GT Neo 2 कलर्स को थोड़ा सा बूस्ट करता है, 9 Pro Plus ज़्यादातर एक्चुअल कलर्स दिखाता है। दोनों ही फोन में प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज अगेन आप देख सकते हैं कि 9 Pro Plus का आउटपुट काफ़ी सही है, यहाँ पे कलर्स वगैरह बिल्कुल भी बूस्ट नहीं करे हैं, एक्चुअल कलर्स ही दिखाए हैं। GT Neo 2 की बात करी जाए तो सेचुरेशन को बूस्ट किया है हमेशा की तरह, थोड़ा सा कूलर टोन ऐड कर दिया है एंड जो डिटेलिंग एंड शार्पनेस है वो आप देखेंगे तो दोनों में ही इक्वल है, वहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं है। बट ओवरऑल कलर्स के मामले में मुझे यहाँ पे 9 Pro Plus का आउटपुट बेटर लगा है। ये एक और सैंपल है, यहाँ पे हम डेप्थ ऑफ फील्ड चेक कर रहे थे तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन ने वैसे तो अच्छा काम किया, जो नेचुरल बोके बनता है वो काफ़ी बढ़िया है, जो बैकग्राउंड है उसको काफ़ी अच्छे से ब्लर आउट करा है। बट यहाँ पे भी अगेन आप नोटिस करेंगे तो जो स्काई वाला पार्ट है 9 Pro Plus ने काफ़ी बेटर मैनेज करा है, क्लियरली विजिबल है। GT Neo 2 में आप देख सकते हैं कि उस पार्ट को वॉश आउट कर दिया है, 4K
फोरग्राउंड की बात करी जाए तो दोनों ही फोन ने अच्छे कलर्स वगैरह मेंटेन करे हैं, बट ओवरऑल जो बैकग्राउंड है, जो डायनामिक रेंज है, वो इस तरह के मोड में 9 प्रो प्लस में बेटर देखने को मिली है। अभी एक और सैंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायनामिक रेंज है वो दोनों की ही अच्छी है वैसे तो, बट जो डार्कर एरिया है वहाँ पे 9 प्रो प्लस ने बेटर काम करा है। जो सनलाइट आ रही थी उसको काफी सही तरीके से मैनेज करा है, जबकि नियर टू में आप देख सकते हैं कि जो डार्कर एरिया है वहाँ पे डिटेलिंग वगैरह इतना बेटर नहीं है, बाकी ओवरऑल आप दूर से देखते तो इमेज देखने में वो भी काफी बढ़िया लगती है। ये एक और सैंपल है एंड यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि जो कलर एक्यूरेसी वो 9 प्रो प्लस में काफी बेटर है, जबकि GT नियर टू में कलर थोड़े से बूस्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा कूलर टोन एड हो जाता है। एंड ये कुछ और सैंपल है, इन सभी सैंपल्स में आप वही चीजें नोटिस करेंगे जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई है। दोनों ही फोन में फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, यहाँ पे क्लियरली GT Neo 2 का आउटपुट बेटर है, कलर्स वगैरह काफी सही बैलेंस करे गए हैं, स्किन टोन काफी अच्छे से मैनेज करा गया है, डिटेलिंग एंड शार्पनेस आप देखते तो दोनों की ही अच्छी है, बट 9 प्रो प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा वॉश आउट कर दिया है, स्किन टोन एकदम ही ज्यादा ब्राइट बना दिया है, शर्ट के कलर को बिल्कुल भी ठीक मैनेज नहीं कर पाया, इवन जो बैकग्राउंड है उसी कलर को भी चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे 9 प्रो प्लस ने बहुत ही बेकार परफॉर्म करा है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद एड डिटेक्शन दोनों ही फोन अच्छे तरीके से कर लेता है, बट अगेन यहाँ पे भी जो GT Neo 2 का आउटपुट है वो बेटर है, कलर्स बेटर है, स्किन टोन बेटर है, जबकि 9 प्रो प्लस में आप अगेन देख सकते हैं कि जो शर्ट का कलर है वो बहुत ही बेकार आया है, बहुत ही ज्यादा डल आया हुआ है एंड स्किन टोन भी एकदम ही व्हाइट बना दिया है, जो कि एक्चुअल नहीं है। ये एक और सैंपल है, यहाँ पे दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है, जो बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा था वो नहीं हुआ यहाँ पे, बट यहाँ पे भी जो स्किन टोन है वो तो व्हाइट ही रखा है। GT Neo 2 ने स्किन टोन थोड़ा सा बेटर मैनेज करा है, बट चेहरे के ऊपर जो लाइट आ रही थी सनलाइट उसको इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया है। ये पोर्ट्रेट मोड में फोटो निकाली है, एड डिटेक्शन यहाँ पे भी दोनों ही फोन का अच्छा है। इंडोर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई मुझे, यहाँ पे दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है, बट अगेन जो GT Neo 2 है वो थोड़ा सा कूलर टोन एड करता है, 9 प्रो प्लस एक्चुअल कलर्स दिखाता है, जूम इन करके डिटेलिंग एंड शार्पनेस नोटिस करेंगे तो GT Neo 2 का थोड़ा सा कम है, 9 प्रो प्लस में थोड़ा सा बेटर है। इंडोर प्राइमरी कैमरा से निकाली गई मुझे अगेन दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है, बट कलर्स के मामले में 9 प्रो प्लस का आउटपुट मुझे बेटर लगा है, स्किन टोन भी यहाँ पे काफी सही मैनेज करा है, एक्चुअल स्किन टोन ही दिखाया है। GT Neo 2 की बात करी जाए तो कलर्स तो वहाँ पे भी सही है, बट जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा पिंकिश बनाया है, देखने में अच्छा लगे वैसा स्किन टोन बनाया है, डिटेलिंग एंड शार्पनेस अगर आप देखते हैं तो दोनों ही फोन का अच्छा है। इंडोर पोर्ट्रेट मोड को यूज किया है एंड यहाँ पे दोनों ही फोन एज डिटेक्शन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उसका कोई भी इश्यू नहीं है, बाकी कलर्स वगैरह यहाँ पे भी मुझे 9 प्रो प्लस के थोड़े से बेटर लगे हैं। इंडोर फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, यहाँ पे मुझे 9 प्रो प्लस का आउटपुट बेटर लग रहा है, कलर्स काफी सही बैलेंस कर रहे हैं, स्किन टोन की बात करी जाए तो काफी अच्छे से मैनेज कर लिया है। GT Neo 2 की बात करी जाए तो थोड़ा सा रेडिश दिखा दिया है स्किन टोन, जो कि एक्चुअल नहीं है, एंड कलर्स को भी थोड़ा सा चेंज किया है, डिटेलिंग एंड शार्पनेस दोनों में ही अच्छा है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन करते हैं तो एज डिटेक्शन दोनों ही फोन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, फिर चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। ये आर्टिफिशियल लाइटिंग में ही कुछ ऑब्जेक्ट की फोटोज मैंने निकाली है एंड यहाँ पे भी इन सभी सैंपल्स में आप क्लियरली नोटिस कर पाएंगे कि ज्यादा कलर एक्यूरेट इमेजेस आपको 9 प्रो प्लस में देखने को मिलती है, GT Neo 2 में कलर्स थोड़े से बूस्ट होते हैं, थोड़ा सा कूलर टोन एड होता है, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। लो लाइट में फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है, बट 9 प्रो प्लस का आउटपुट मुझे बेटर लगा है, नाइट मोड को ऑन करने के बाद दोनों इमेज इंप्रूव होती है, बट स्टिल जो 9 प्रो प्लस का आउटपुट है वो मुझे बेटर लगा है। एक्सट्रीम लो लाइट में स्क्रीन फ्लैश को यूज करा है एंड यहाँ पे दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है, बट अगेन 9 प्रो प्लस मुझे थोड़ा सा बेटर लगा है। लो लाइट अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस विदाउट नाइट मोड दोनों ही इमेज यहाँ पे एवरेज है, नाइट मोड को इनेबल करने के बाद दोनों ही इमेज इंप्रूव हो जाती है। ये एक और सैंपल है, प्राइमरी कैमरा विदाउट नाइट मोड अगेन दोनों ही इमेज यहाँ पे सिमिलर है, नाइट मोड को इनेबल करने के बाद दोनों ही इमेज यहाँ पे काफी इंप्रूव हो जाती है, लाइट कंट्रोल दोनों ही फोन में काफी बढ़िया है। एंड ये कुछ और सैंपल है एंड जब ज्यादा लाइट कम होती है तो 9 प्रो प्लस थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है, कलर्स वगैरह वहाँ पे बेटर देखने को मिले है एंड एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में भी 9 प्रो प्लस ने बेटर परफॉर्म करा है। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड वीडियो के सैंपल भी देख लेते हैं। दोनों ही फोन में फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ एंड GT में यहाँ पे आपको स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि 9 प्रो प्लस में अभी के लिए मुझे ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। एंड यहाँ पे हम वॉक करके भी देखते हैं, लेट्स सी स्टेबिलिटी कहाँ पे बेटर है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि GT में बेटर देखने को मिल रही है एंड 9 प्रो प्लस की स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्रॉप भी बिल्कुल नहीं हुआ है एंड बाकी जो लाइट कंट्रोल वगैरह है वो भी मुझे यहाँ पे GT Neo 2 का बेटर लग रहा है एंड जो 9 प्रो प्लस है बहुत ही ज़्यादा वॉश आउट कर रहा है कलर्स वगैरह, टेप करके भी देख लेते हैं। एंड अभी इवनिंग का टाइम है, अभी डायरेक्ट सनलाइट में भी आ जाते हैं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, दोनों में ही एक बार टेप करता हूँ तो स्किन टोन बहुत ही बेकार आ रहा है 9 प्रो प्लस का, GT Neo 2 काफ़ी अच्छा काम कर रहा है
हालांकि बैकग्राउंड दोनों ही फ़ोन थोड़ा सा वॉश आउट कर रहे हैं। बाकी ऑडियो पिकअप वगैरह आप सुनिए कौन से फ़ोन का बेहतर है। तो बोके वीडियो मोड को एनेबल कर दिया है दोनों ही फ़ोन में। एंड यहाँ पे अगेन आपको GT Neo 2 में एडवांटेज देखने को मिलता है, 1080 पिक्सल तक शूट कर सकते हैं, जबकि 9 Pro Plus में आप मैक्सिमम 720p तक ही शूट कर सकते हैं। एंड अगेन आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर रहा है, कलर्स वगैरह भी काफ़ी बेकार है। बाकी एज डिटेक्शन वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। एंड अभी डायरेक्ट सनलाइट में आके भी दिखा देता हूँ, हालांकि हार्श सनलाइट नहीं है अभी, तो काफ़ी परफेक्ट टाइम है। एंड तो डायरेक्ट सनलाइट में आ गया हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन किस तरह से काम कर रहे हैं। अगेन मुझे भी यहाँ पे जो पोर्ट्रेट मोड है वो GT Neo 2 का बेटर लग रहा है, स्क्रीन टोन वगैरह भी काफ़ी बेटर है, जबकि 9 Pro Plus तो यहाँ पे बहुत ही बेकार काम कर रहा है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से शूट कर रहा हूँ दोनों ही फ़ोन में, एंड अल्ट्रा वाइड में दोनों में ही मैक्सिमम 1080 या 30 तक ही शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो पिकअप वगैरह किस तरह का है। एंड फुटेज यहाँ पे मुझे ज़्यादा स्टेबल दिख रही है 9 Pro Plus की, बट कलर्स वगैरह वहाँ पे काफ़ी बेकार लग रहे हैं, जबकि GT Neo 2 के कलर्स काफ़ी सही दिख रहे हैं एंड फुटेज भी काफ़ी शार्प लग रही है। वर्क कर लेते हैं, लेट्स सी स्टेबिलिटी कहाँ पे बेटर है। तो स्टेबिलिटी तो यहाँ पे मुझे दोनों ही फ़ोन में लग रही है, बट ओवरऑल जो कलर्स वगैरह है, आउटपुट है, वो मुझे GT Neo का काफ़ी बेटर लगा है। दोनों ही फ़ोन में प्राइमरी कैमरा से शूट कर रहा हूँ, 1080 पिक्सल 60fps पे शूट कर रहा हूँ। एंड मैक्सिमम यहाँ पे GT Neo 2 में 4K 60 का ऑप्शन है, प्रो प्लस में 4K 30 का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो पिकअप वगैरह किस तरह का है, एंड लाइट कंट्रोल कहाँ पे बेटर है वो भी आप देख सकते हैं। ऑन स्क्रीन मुझे इतना आइडिया नहीं लग रहा है, दोनों का ही अच्छा दिख रहा है। बाकी यहाँ पे अभी हम वो करके स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं, लेट्स सी कौन से फ़ोन की फुटेज ज़्यादा स्टेबल है। दोनों में ही EIS मिलता है, वैसे OIS आपको दिया गया है 9 Pro Plus में, बट वो वीडियो में वर्क नहीं करता है। तो 1080 60 पे आप देख सकते हैं EIS यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, एंड मुझे तो ऑन स्क्रीन सिमिलर ही लग रहा है कलर्स वगैरह भी। बाकी आप लोगों को क्या लगा, ऑडियो पिकअप वगैरह कहाँ पे बेहतर लगा, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर वर्डिक्ट के बारे में बात करी जाए तो वैसे तो यहाँ पे दोनों का ही परफॉर्मेंस अच्छा है, बट जो 9 Pro Plus है उसका जो प्राइमरी कैमरा है वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है, कलर एक्यूरेसी के मामले में, ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी के मामले में, ह्यूमन स्किन टोन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनाता है, तो उसके ऊपर अभी काम करने की ज़रूरत है। GT Neo 2 भी ह्यूमन स्किन टोन को ब्यूटीफाई करता है, कुछ कुछ कंडीशन में एकदम रेड बनाता है, तो उसको भी वो बेटर करने की ज़रूरत है। अब अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात करी जाए तो GT Neo 2 ने बेटर परफॉर्म करा है आउटडोर कंडीशन में, 9 Pro Plus ने बहुत ही बेकार परफॉर्म करा था, कलर वगैरह बिल्कुल भी ठीक से मैनेज नहीं हुए थे, तो इस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है। इंडोर कंडीशन में 9 Pro Plus ने बेटर परफॉर्म करा था। वीडियोज़ के बारे में बात करी जाए तो वहाँ पर अगेन जो फ्रंट कैमरा है वो GT Neo 2 में बेटर वर्क करता है अभी के लिए, 9 Pro Plus में अगेन कलर्स वगैरह काफ़ी बेकार थे, वॉश आउट हो रहा था, स्टेबिलाइजेशन नहीं था, तो बहुत सारे ऑप्शन अभी नहीं है। एंड रियर कैमरा से अगर वीडियोस के बारे में बात करी जाए तो वहाँ पे अगेन जो कलर्स वगैरह है वो काइंड ऑफ इक्वल है, इतना मेजर डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ है, स्टेबिलिटी वगैरह भी सिमिलर है, OIS है, बट वो वीडियो में वर्क नहीं करता है। तो इन शॉर्ट अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी था एंड इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज थे तो मत होइए, बिकॉज कैमरा के परफॉर्मेंस में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, तो आप दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपको बेटर डील कहाँ पर मिल रही है। अभी रिसेंटली जो GT Neo 2 है वो आपको बेटर प्राइस में मिल रहा था, तो सेम प्राइस में अगर मिलता है तो डेफिनेटली GT Neo 2 के साथ जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।